गरीबी का मजाक उड़ाने की देश के गरीबी और गरीबी को बढ़ाने की एक हिस्ट्री शीटर पार्टी है वो आज जो है वो पहले गरीबी उनकी नानी जी दादी जी कहती थी कि गरीबी ए, हटाओ अब वो कह रहे हैं कि ये गरीबी मिटाओ तो ये गरीबी हटाओ और गरीबी मिटाओ का जो ये बीच का रास्ता है ये रास्ते में जो है वो कई साल दशकों ये सरकार में रहे और सरकार में रहने के बाद इन्होंने गरीबी गरीबों का मजाक उड़ाया गरीबी को बढ़ाया इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया इन जब पाँच सालों में नरेंद्र मोदी जी ने मेरा गांव मेरा देश को संकल्प लेकर के काम किया गरीबों को गरीबी से मुक्त कराने के लिए गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए काम किया गरीब और गरीब परिवारों को जो है वो हर तरह की सुविधा मिले आर्थिक रूप से उनकी तंगी और मंदी ख़त्म हो सके उसके लिए काम किया तो अब फिर इनको एक बार गरीबी और गरीबी हटाओ और गरीबी मिटाओ याद आ गई तो इसलिए जो है एक बात समझ लेना चाहिए कि नारों का पहाड़ वोटों का जुगाड़ नहीं करता एक चीज़ दूसरी चीज़ जब कल वो घोषणा कर रहे थे तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था और बल्कि जो है मुझे ए, हमारे साथ बहुत से लोग बैठे हुए थे गाँव के लोग भी वो मजाक उड़ा रहे थे वो कह रहे थे कि एक कोई जैसी इस तरह से एक अहंकारी शहजादा गरीबों का मजाक उड़ाता है एक सामंती शहजादा जो है वो गरीबों का मजाक उड़ाता है इस तरह से वो बोल रहे थे मजा आ जाएगा आपको आप सरप्राइज हो जाओगे क्योंकि उनको भी लगता था कि जिस पार्टी का इतिहास गरीबों के और गरीबों के हितों के खिलाफ आपराधिक इतिहास रहा हो वो गरीबों की बात करें